आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूजी एडमिशन में जो आप न्यू रजिस्ट्रेशन किए थे, एडमिशन फॉर्म अप्लाई किए थे, उसका आप पासपोर्ट कैसे चेंज करेंगे। अगर आप पासपोर्ट भूल गए हैं तो सिंपली आपको जो है इस वेबसाइट पर आ जाना है, do.ac.in। ओके, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजी एडमिशन पोर्टल 2020 दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। ओके, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए यूजी के लिए, BA BSc BCom के लिए, तो आप जो है हमारे वीडियो देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको एंड स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको कम्प्लीट वीडियो मिलेगा। ओके, तो आपको इस वीडियो को पूरा देख के जो है स्टेप बाई स्टेप आपको फॉर्म फिल कर लेना है। ओके, पासपोर्ट फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉरवर्ड पासपोर्ट का एक ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस समय आप जो फॉर्म अप्लाई किए थे वो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी इंटर करना है, और ये जो कैप्चा आपको शो कर रहा है, कैप्चा आपको इस बॉक्स में इंटर करना है, और यहाँ पर आपको सेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पासपोर्ट रिसेट का ऑप्शन है, और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर OTP जाएगा और ईमेल पर भी OTP जाएगा, जो कि 15 मिनट के लिए वैलिड होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको OTP इंटर कर देना है। यहाँ पर आपको न्यू पासपोर्ट, जो भी पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, ये पासवर्ड आपको यहाँ पर याद करके और यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। यहाँ पर आपको फिर से आपको यहाँ पर पासवर्ड इंटर करना है, और ये जो कैप्चा आपको शो कर रहा है, कैप्चा आपको इस बॉक्स में इंटर कर देना है। तो आपको यहाँ पर जो है पूरी डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है, यहाँ पर पासपोर्ट जो है सेलेक्ट कर लेना है, और ये जो कैप्चा आप देख रहे हैं, ये कैप्चा आपको इस बॉक्स में इंटर कर देना है, जो कि सभी स्मॉल लेटर में होगा। उसके बाद जो है, अगर आपके मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आ रहा है, आपके ईमेल आईडी पर OTP नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर रिसेंट OTP पर क्लिक करके आप दोबारा OTP मंगा सकते हैं। उसके बाद सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट OTP पर क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ से सबमिट OTP पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं पासपोर्ट रिसेट सक्सेसफुल, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसीज। ओके, तो यहाँ आपको ईमेल आईडी इंटर कर देना है, जो भी पासवर्ड आप यहाँ पर फॉरगेट किए हैं और जो नया पासवर्ड आप रखे हैं, ये पासवर्ड आपको इस बॉक्स में इंटर कर देना है, और यहाँ पर कैप्चा आपको इंटर करके यहाँ से आपको लॉग इन कर लेना है। ओके, लॉग इन करके आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से जो है पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं, पासवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं DU यूनिवर्सिटी में। ओके, तो इस तरह से आप जान गए हैं कि आप किस तरह पासवर्ड जो है और रिसेट कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कीजिए लाइक, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आप सबसे पहले मिला करें। थैंक यू फ्रेंड।